जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो हम करने वाले हैं, कैसे अपने बाइक का इंस्पेक्शन किया जाता है प्री एंड ड्यूरिंग, मतलब आप जब राइड से पहले, जब आप प्लान कर रहे हैं राइड का, एंड जब आप राइड पे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्शन करनी होती है, वो आज हम बताने वाले हैं। एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने हिमालयन का चेसिस ब्रेक का दिखाया हुआ था, ठीक है। एंड दैट टाइम मैंने कहा था कि आप लोगों को इंस्पेक्शन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरह से इंस्पेक्शन किया जाता है। कुछ 7-8 पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान देने होते हैं दोस्तों। कई हद तक जो है ना मेजर प्रॉब्लम, जैसे कि लाइक पिकअप प्रॉब्लम हो गया है, या फिर रिम्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं हैं, या फिर चेसिस का लेके, या फिर ब्रेकिंग कंट्रोलिंग को लेके, इन सभी को लेके ना आज थोड़ा सा पॉइंट्स हम कवर करेंगे। एंड किस तरह से इंस्पेक्शन किया जाता, चेक किया जाता है, वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग राउंड, मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए टाइम टाइम आ सके। तो दोस्तों फर्स्ट जो पॉइंट है वो है प्राइमरी कॉन्टैक्ट, जो कि है टायर्स एंड व्हील्स। तो फर्स्ट हो गया टायर का ग्रिप, आपको ग्रिप देख लेना है, ग्रिप इंस्पेक्शन कर लेना है कि प्रॉपरली टायर का ग्रिप हो, बिकॉज जब भी आप लॉन्ग शॉट राइड कर रहे हो तो मल्टीपल रोड कंडीशन मिलते हैं एंड ग्रिपिंग्स बहुत ज़्यादा सही होनी चाहिए। एंड उसके बाद आता है टायर प्रेशर फॉर द स्मूथ राइड। टायर प्रेशर फ्रंट में नॉर्मली जो होता है ना वो 28-30 फील किया जाता है एंड रेयर में 33-35, ठीक है। अभी टायर टू टायर जो है थोड़ा बहुत वेरी करता है, हल्का फुल्का ज़्यादा वेरी नहीं करता है, अपने टायर स्टैंडर्ड के हिसाब से आप देख सकते हैं। मगर ये जो मैं बताया आपको 28-30 फ्रंट एंड रेयर जो है 33-35, ये वैसे स्टैंडर्ड है और प्रैक्टिकल भी कहा जाता है। अब आता है इसके व्हील की बात। और व्हील में तो दोस्तों ऐसा है कि स्पोक व्हील्स है ना अगर आपका, तो स्पोक व्हील्स को हमेशा टाइट ऐसे चेक कर लीजिए कि कोई स्पोक्स ढीला तो नहीं है। अगर कोई स्पोक्स ढीला है तो उसको जाके सेट करवाइए, खुद सेट करने की ट्राई बिल्कुल मत करिए बिकॉज उससे अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हो सकता है। एंड रिम की बात करें तो रिम में एक बार देख लीजिए कहीं बैंडिंग तो नहीं है, कोई बैंडिंग या ऐसा कुछ तो नहीं है जिससे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। सेम अलॉय व्हील में भी है, अलॉय व्हील में भी आपको बैंडिंग ही चेक करनी होती है। बाकी अलॉय व्हील जो होते हैं कास्टेड होते हैं तो दोस्तों उसमें झटके से ही टूटता है वो पहले बैंड या ऐसा नहीं होता है, ये साइड रिम ही सिर्फ बैंड होती है, बाकी जो उसके स्पोक्स होते हैं अलॉय व्हील के वो टूटते ही हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्रेकिंग एंड कंट्रोलिंग। दोस्तों अपनी बाइक पे ब्रेकिंग कंट्रोलिंग करना है आपको, ब्रेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे चाहिए होते हैं। अगर आपके फ्रंट एंड रेयर में दोनों में डिस्क ब्रेक्स हैं तो पैड चेक कर लीजिए, ब्रेक पैड कैसे हैं। एंड अगर फ्रंट में डिस्क और रेयर में आपका ड्रम है तो ड्रम्स में भी इंडिकेशन दिया रहता है किस तरह चेक किया जाता है। मैं तो आपको नॉर्मली दिखाता हूँ ब्रेक पैड्स जो हैं वो कैसे चेक किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्लैश ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये ब्रेक पैड्स हैं, ये दो ब्रेक पैड्स हैं, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ब्रेक पैड की थिकनेस भी सही है। अगर आपका ब्रेक पैड फिर भी सही नहीं वर्क कर रहा, स्मूथ अगर आपका ब्रेकिंग उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको निकाल के आपको इसके ऊपर सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन करना होगा ताकि जो उसमें चिकनाहट आ गई है ना, मिट्टी आ गई जो आ गई है वो क्लीन हो जाए। तो इस तरह से चेक किया जाता है। ऐसे ही सेम फ्रंट में भी किया जाता है, फ्रंट में भी आपको यही चीज़ देखनी होती है, ठीक है। ये देखिए फ्रंट के आप देखेंगे तो धीरे धीरे घिस रहे हैं, ये ज़्यादा पास आ गए हैं, तो मतलब अब मेरे को कुछ टाइम में ये चेंज करने पड़ेंगे। दोस्तों अब बारी आती है ऑयल एंड फ्लूइड लेवल। फ्लूइड लेवल जो होता है वो डिस्क ब्रेक का चेक करना होता है एंड ऑयल लेवल जो होता है वो है इंजन का। ऑयल तो इंजन के स्मूथ राइड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो एक बार स्टार्टिंग में सर्विस करवा के ऑयल जरूर चेंज करवा लीजिए ताकि आपको राइड जो है वो टेंशन फ्री रहे। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा लाइट ऑन कर देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं अब ये मिनिमम दिखा रहा है, बट ये सही तरीका नहीं है चेक करने का। सही तरीका ये है कि बाइक को स्टार्ट करिए एंड 1-2 मिनट के लिए स्टार्ट, 1-1.5 मिनट के लिए स्टार्ट कर दीजिए एंड उसके बाद जो है आप बंद करके कम से कम 10-15 मिनट बाद चेक करिए, तो आपको जो एक्चुअल ऑयल लेवल जो है ना वो बाइक का दिख जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी मिनिमम के पास दिखा रहा है। एंड एक और चीज़ आपको चेक करना है कि इसका कालापन कैसा है। जैसे ये बाइक जो है ऑलमोस्ट मतलब जब मैंने ऑयल फिल कराने के बाद में 1200 किलोमीटर चल गई है एंड उसका जो आप देखेंगे पीला, आपको ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा होगा, हल्का रेडिश टाइप दिखा रहा होगा, तो ये भी आपको चेक करना है। एंड उसके बाद होता है ये फ्लूइड बॉक्स, यहाँ से फ्लूइड चेक कर सकते हैं फ्रंट एंड रेयर का। .3 और .4 ऑयल इसमें डलता है एंड रेयर में यहाँ पे दिखा रखा है। एंड दोस्तों अब आता है मेन इंपॉर्टेंट, वो है चेसिस एंड फ्रेम को चेक करना। दोस्तों अगर आपकी खुद की बाइक है तो आपको मालूम होता है कि आप कैसे राइड करते हैं, बट अगर आपकी रेंटेड बाइक है
तो दोस्तों मल्टीपल राइडर्स जो उसको राइड करते हैं, कुछ रफ राइड करते हैं, कुछ अच्छे से राइड करते हैं, मतलब राइडर्स जो हैं अलग अलग तरीके से उसको राइड करते हैं। तो हिमालयन में जो प्रॉब्लम आई थी वो चेसिस फ्रेम डिज़ाइन की ही मेन पहले प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरा जॉइंट रहता है प्रॉपरली, तो क्लासिक का मैंने आज तक नहीं देखा कि वो यहाँ से ब्रेक हो। बट हाँ, इसमें भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है, प्रॉब्लम टूटने की यहाँ से आती है। बिकॉज ये साइड स्टैंड जब भी हम लगाते हैं और बैठते रहते हैं ना कोई साइड स्टैंड पे, तो यहाँ से टूटने की बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो ये बेंडिंग और ये टूटने का, तो यहाँ आप जरूर इंस्पेक्शन करिए। जो आपको मालूम है एरियाज वहाँ पर एक बार नज़र जरूर मार लीजिए, ठीक है। एंड आपकी राइड जो होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए, सही हो जाए, ठीक है, वैसा ही करना है। एंड रेयर का एक बार स्विंग आर्म का भी आपको स्मूथनेस चेक करना होता है कि स्मूथली प्रॉपरली जो है अप डाउन कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ नॉइज़ की साउंड तो नहीं आ रही है, तो वो चेक कर लीजिए। कोई भी ऐसी अनोइंग सी साउंड आना शुरू हो जाए ना, तो वो पार्ट को इग्नोर मत करिए, चेक जरूर कराइए। दोस्तों अब बारी आती है चेन एंड चेन टेंशन की, चेन लूप और चेन टेंशन की। तो चेन लूप तो दोस्तों बताते हैं, उससे पहले बताते हैं चेन टेंशन, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मूथ राइड के लिए। ज़्यादा अगर टाइट और लूज़ है तो आपको प्रॉपरली जो है वो आपको राइड स्मूथनेस नहीं मिलेगी और गियर शिफ्टिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो ये आप देख रहे हैं चेन की टेंशन इतनी ही होनी चाहिए, ये ना तो यहाँ तक टच होना चाहिए और ना तो ऐसा हो कि हिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया चेन का टेंशन और चेन का लूब, चेन का लूब, ठीक है, ताकि रस्टिंग की प्रॉब्लम ये सब ना हो। ओवर लूप भी मत करिए, वरना उससे डस्ट जो है ज़्यादा कैच करता है और व्हील पे पूरा जो है आपका डस्ट देखने को मिलता है। दोस्तों अब बारी आती है केबल्स एंड वायर्स। दोस्तों क्लच केबल तो आपको कैरी करना है, लॉन्ग शॉट राइड हो तो ज़रूर आपको कैरी करना है, बिकॉज ये धोखेबाज होते हैं, जल्दी धोखा दे देते हैं। देखिए हल्का हल्का साउंड आना शुरू हो जाए, कच 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 का, ठीक है, आपको क्लच पहले ही बता देगा, कम से कम मान के चलिए आप 50-60 किलोमीटर पहले ही कि भैया मैं टूटने वाला हूँ, ऐसा है, ठीक है, क्योंकि उसमें एकदम साउंड अनोइंग सा हार्डनेस फील होने लगता है। एंड तो वो चेंज कर दीजिए और कैरी भी करिए उसको साथ में। एंड उसके बाद है थ्रोटल। थ्रोटल में दोस्तों अगर स्मूथनेस आपको फील ना हो, ठीक है, तो इसको भी 10,000 किलोमीटर पर ना एक स्टैंडर्ड रखिए। 10,000 किलोमीटर जब आपकी बाइक कंप्लीट हो तो केबल्स जो है ना वो चेंज हो जाना चाहिए, ताकि आपको वो बीच रास्ते में रुक के और इस चीज़ों का वेट ना करना पड़े। तो केबल्स जो हैं एक्स्ट्रा कैरी करिए। एक्सलेटर केबल भले ही आपने नहीं कैरी किया, बट आपको क्लच केबल जो है वो कैरी जरूर करना है। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी खुद की बाइक है ना, तो आपको मालूम होता है कि कौन से लाइट में क्या प्रॉब्लम है और आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम है। बट आप जब रेंटेड बाइक लेते हैं तो दोस्तों उसमें आप एक बार पूरा प्रॉपरली चेक कर लीजिए ऑन करके कि वार्निंग्स प्रॉपरली वर्क कर रही नहीं कर रही हैं, या फिर कोई भी स्विचेज है, या फिर इंडिकेटर स्विचेज है, या फिर हॉर्न है, ठीक है, आपके किल स्विच है वो प्रॉपरली वर्क तो नहीं कर रहा, ज़्यादा दबाना तो नहीं पड़ रहा, या फिर आपका इग्निशन स्विच को हिला कर एक बार देखेंगे तो आपका ऑन ऑफ का प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ें पहले से एक बार देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो आपको क्या चीज़ पहले चेक करनी है। तो ये होता है। उसके बाद आता है बैटरी। दोस्तों अगर आपकी खुद की बाइक है तो बैटरी जो है फुल चार्ज करके ही जाना है, हमेशा रखिए, ठीक है, क्योंकि कई बार ना बैटरीज जो हैं फुल चार्ज नहीं हो पाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है ना वो है सस्पेंशन को लेके, फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन को लेके। जो फ्रंट फोर्क्स हैं, जो थंडरबर्ड है जिसमें भी ये ओपन मिलता है ना आपको, जैसे कि क्लासिक है ना, तो क्लासिक में आपने देखा होगा ये कवर्ड है, तो कवर्ड की वजह से क्या होता है, ज़्यादा डस्ट जो है वहाँ नहीं लगती है। एंड इसी की वजह से जो है ये ज़्यादा जो है सॉकर जो है उसके लीक नहीं करते हैं। बट ऐसी बाइक्स में सॉकर जो है जल्दी लीक हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ डस्ट चिपकती रहती है, डस्ट चिपकते इसके जो रबड़ सील होते हैं अंदर वाले वो ब्रेक हो जाती है। तो एवरी टाइम कम से कम जब आप ब्रेक ले रहे हो मॉर्निंग को एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि जो रबल सील्स हैं वो ब्रेक तो नहीं हुई है। एंड इसको क्लीन कर दीजिए, इस एरिया को क्लीन कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि वहाँ पर डस्ट जो है अंदर तक ना जाए। तो ये है, नहीं तो यहाँ पर रबर का जो कवर आते हैं, होसेस आते हैं, वो इधर लगा लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड रेयर में अब बात आती है सस्पेंशन की, ये भी एक स्मूथ राइड के लिए है। अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो दोस्तों सस्पेंशन जो है यहाँ पे लेवल दे रखे होते हैं हार्डनेस सॉफ्टनेस के, जितना आप ऊपर करते जाएंगे जितना सस्पेंशन टाइट रहेगा, अगर इधर की तरफ रहेगा तो मतलब आप समझ लीजिए कि ज़्यादा आपको हार्ड मिलेगा सस्पेंशन, और जितना नीचे की तरफ जाएगा
जितना नीचे की तरफ जाएगा, ये देखिए यहाँ भी लेवल दे रखा है, तो जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना जो है ये सॉफ्ट होता जाएगा। तो ऑलवेज मिड में रखिए, नहीं तो अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं, लगेज कम है, तो ऐसे एक दो एक जो है नीचे आप दोबारा कर सकते हैं। तो ये सस्पेंशन सेटिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों दैट्स इट, यही था बेसिक इंस्पेक्शन जो मैं बताया। अभी इसमें एडवांस लेवल के भी आते हैं बहुत ज़्यादा, बट वो हम नहीं करेंगे, आप सर्विस करवा के चाहिए। तो इस तरह से कराते, एक टिप जरूर देना चाहूँगा, जब भी आप लॉन्ग शॉट राइड कर रहे हो ना, तो टायर प्रेशर जो है एक दिन पहले ही फिल करा लीजिए, ताकि अगर वॉल लीकेज कुछ हो तो आपको आइडिया हो जाए।